सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएस यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? एंड इसी के साथ रेस आईएस विशेस यू ऑल द बेस्ट विद व्हाटएवर प्रिपरेशन यू आर डूइंग। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वी आर राइट देयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू एंड टू प्रोवाइड यू जितना भी सारा कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। आपको पता है कि रिसेंटली अभी रेस आईएस के यूट्यूब चैनल पे हमने एक सीरीज चलाई जिसका नाम था रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो मेजर रिवर्स, उनकी ओरिजिन, उनका कोर्स, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद आज से हम वापस से आ गए हैं बैक ऑन ट्रैक एक नई सीरीज के साथ आप सभी के सामने। और सीरीज होने वाली है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इन इंडिया। तो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट, ये जो टाइटल है, ये टाइटल आया कहाँ से? मैं आप सबको बता दूं कि भारत में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा महत्व है, हम सबको पता है। इतना वाइड वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंस, वाइड वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट होने के बावजूद आज आप देखेंगे कि इंडिया की जो मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो टूरिस्ट साइट्स हैं आज के डेट में, उनकी जैसे कंडीशन जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल का कलर चेंज होना आपने न्यूज में सुना होगा। तो ड्यू टू ऑल द फैक्टर्स लाइक पॉल्यूशन, लाइक मैन मेड डिजास्टर्स एंड ऑल, तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हैं। तो इन सारे धरोहर को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने ऐतिहासिक चीजों को बेसिकली सेफ गार्ड करने के लिए सरकार ने कुछ साइट्स को नेम किया है, लिस्ट किया है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये वो साइट होने वाली हैं जहां पे 80% ऑफ टूरिज्म इन इंडिया जो है इनके थ्रू ही होता है। और सरकार बहुत ज्यादा जो है इस पे अब ध्यान देने वाली है कि किस तरीके से हम इन्हें और डेवलप और सेफगार्ड और प्रोटेक्ट कर पाए और प्रिजर्व कर पाए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स जो हैं, कुछ साइट्स जिनका जो है लिस्ट बन करके आया हुआ है, उनके बारे में हम पढ़ लें। आज होने वाला है वीडियो नंबर 1, सीरीज जो है वो होने वाली है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इन इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, इसको अभी यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा साइट होने वाला है, आप सभी के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द ताजमहल। द ताजमहल जो है, आप सबने मेबी बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग नहीं गए होंगे। ताजमहल देखा सभी ने होगा, भले पिक्चर में देखा हो चाहे क्या। आप देख सकते हैं ये जो इतना बड़ा इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा एथनिक है और काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि मतलब इसका आर्किटेक्चरल जो सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा हाई होने वाला है। इसी के साथ अलग अलग पिलर्स भी आप देख सकते हैं, मीनारेज, ये बड़ा सा दरवाजा, क्या है ये, कैसे है ये, किस तरीके का फॉर्मेशन है, क्या क्या अलग अलग फैक्ट्स हैं, वो आइए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल की बात करूं तो ताजमहल है आगरा में। पता होगा ये बहुत सारे लोगों को कि ताजमहल आगरा में है। आगरा में ताजमहल अमर प्रेम को एक स्मारकीय श्रद्धांजलि है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। सो बेसिकली इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना के किनारे स्थित जो बेसिकली ये ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि एक आप समझ लीजिए कि ट्रिब्यूट है, ये एक साइन है, ये एक सिंबल है लव, एक बहुत ही ज्यादा ट्रू लव, अनकंडीशनल लव का सिंबल माना जाता है। अब क्यों इसको ऐसा सिंबल माना जाता है, उसके पीछे भी डिस्कशन करेंगे। मुगल एम्परर शाहजहां का नाम आपने सुना होगा, जो मुगल बादशाह रह चुके हैं। तो शाहजहां ने ये जो ताजमहल है बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन लीड किया। और कई लोग एक ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं कि शाहजहां, द मुगल एम्परर शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मुगल एम्परर शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, कंस्ट्रक्शन को कमीशन करवाया था, मतलब उन्होंने खुद नहीं बनाया था, उन्होंने बनवाया था। तो शब्दों का हेर फेर है। तो शाहजहां जो है उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को कराया। ये एक ऐसा मॉसोलियम है जो कि 17th सेंचुरी में अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में, उनके ऑनर में बेसिकली बनवाया था। ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट रिप्रेजेंटेशन माना जाता है मुगल वास्तुकला, मतलब मुगल आर्किटेक्चर की,
और भव्यता के शिखर का एक शानदार प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसी के साथ इसकी वास्तुकला की आश्चर्यजनक प्रकृति के कारण इसे समकालीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, 7 वंडर्स। जो आपने सुना होगा कि 7 वंडर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से एक है आपका ये ताजमहल। सो बिकॉज ऑफ द स्टनिंग नेचर, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट आर्किटेक्चर, ताजमहल इज गिवन द एट्रीब्यूट ऑफ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। हमें पता है, हमने जाना कि यमुना नदी के तट पर जो कि स्थित है कंस्ट्रक्शन ऑफ माउसिलियम, इस माउसिलियम का जो कंस्ट्रक्शन है शुरू होता है 1632 में, ठीक है। और एक साल बेसिकली 1632 में शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली लगभग मुमताज महल जिनकी याद में बनवाया जा रहा है उनके गुजर जाने के तकरीबन 1 साल बाद, ठीक है। ये उनके ऑनर में बनवाया गया था। पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, वो 1653 तक आते आते भी नहीं बन पाया। आप टाइम स्पैन देख सकते हैं 1632 से 1653 का टाइम स्पैन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स में भी ये पूरी तरीके से नहीं बन पाया। एंड इट वॉज इन 1658 का वो समय था जब शाहजहां जो इस कंस्ट्रक्शन को लीड करवा रहे हैं, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उनको क्या कर दिया, उनको डिपोज कर दिया, उनको गद्दी पे से हटा दिया और आजीवन कार मतलब उनके पूरे फाइनल डेज के लिए, उनके जो लास्ट डेज चल रहे थे, शाहजहां के जो आखिरी दिन चल रहे थे, बेसिकली उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया, बेसिकली उनको किलेबंदी करवा दिया, उनको अंदर कैद कर लिया। तो 1658 में सम्राट को शासक के रूप में उनके पद से हटा दिया गया और उनके बेटे औरंगजेब ने जेल में उन्हें डाल दिया। तो अच्छे खासे 8-9 साल तक जेल में रहेंगे, उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। शाहजहां जो कि अभी जेल में है, बेसिकली आगरा फोर्ट में बंद है, किले में बंद है, तो वहां से वो उनको ये अपना मार्वेलस क्रिएशन जो कि ताजमहल है उसका एक व्यू दिखाई पड़ता है। तो शाहजहां को उसके अंतिम दिनों के लिए पास के आगरा किले में कैद कर दिया गया, जहां से उसने अपनी अद्भुत रचना का दृश्य बेसिकली उसको दिखाई देता था। जब 1666 में उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें ताजमहल के अंदर उनकी प्यारी पत्नी की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। तो हम सब जानते हैं मुमताज महल जिनके ऑनर में, जिनकी मेमोरी में ये ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, तो बेसिकली इनके डेथ के बाद इनको भी उनके बगल में ही, उनकी कब्र के बगल में दफनाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव बीन बरीड टुगेदर, और क्योंकि ये ट्रू रिमार्केबल सिग्निफिकेंस है कि शाहजहां जो है वो अपनी वाइफ की मेमोरी में बनवा रहे हैं, इसीलिए ताजमहल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ लव, अ रिमार्केबल लव, ठीक है। अब बात करेंगे कि 18th सेंचुरी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। भरतपुर के जो जाट रूलर्स थे, जब उन्होंने आगरा पे अटैक किया तो न सिर्फ उन्होंने बेसिकली ताजमहल को सीज कर दिया, बल्कि उन्होंने ताजमहल का जो इंटीरियर है, अंदर का जो सारा का सारा अपना एक बनवाया गया था आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जो सारी चीजें बनवाई थी, उनको पिलेज किया, यानी लूटपाट मचाई। आपको मैं बता दूं कि ताजमहल के इंटीरियर में सजाने के लिए बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थरों का यूज किया गया था, बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स यानी अर्ध कीमती पत्थरों का यूज किया गया था। वो पत्थर उस समय इतना ज्यादा रिलेटिवली सिग्निफिकेंस होल्ड करते थे कि आप समझ जाइए कि इसको लूट करके ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ठीक है, एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे लूटपाट भी मचाई गई थी। अब ये तो रही पुरानी बात, अब बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट की। तो जो क्रांति जो है, जो क्रांति 1857 में देखने के लिए मिली, उसमें ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने भी ताजमहल के ऊपर बहुत सारा डैमेज, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन जो है वो मचाया। उनके कीमती पत्थर जो लगे हुए हैं ताजमहल में, उसको रिमूव किया, उसकी दीवार, उसको दीवारों पे से रिमूव किया, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ द डैमेज दैट सस्टेन्ड। तो बेसिकली क्या किया, इस स्मारक की दीवारों से कीमती पत्थरों को हटाकर इसे नुकसान पहुंचाया, और जो नुकसान हुआ उसके लिए बेसिकली वे जिम्मेदार हैं, ठीक है।
20वीं शताब्दी के आरंभिक भाग के दौरान ताजमहल व्यापक पुनर्स्थापन प्रयासों का विषय हो गया। बेसिकली क्या होता है, 20th सेंचुरी आती है, एवर सिंस बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद तो बहुत फुल फ्लेज में ताजमहल को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई, बट इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी ताजमहल को प्रिजर्व करने की, इसको संरक्षित करने की कोशिश बराबर की गई। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन आप नाम सुनते हैं, तो ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल है लॉर्ड कर्जन जो है, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स लगाए इसको, ताकि जो है बहुत अच्छी तरीके से ताजमहल को प्रिजर्व किया जा सके। आफ्टर इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद ये जो ताजमहल है इसको प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब भारतीय सरकार के अंतर्गत लेकर के आया गया कि इसके जिम्मेदार, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, भारतीय गवर्नमेंट की है। अब बात करेंगे कि ये जो ताजमहल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी वास्तुकला किस तरह की है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो ताजमहल को मानव इतिहास की सबसे महान वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आर्किटेक्चरल अचीवमेंट, बहुत सारे प्राचीन लोग आए गए, किसी ने कोई किला बनवाया, किसी ने कोई लेक बनवाया, किसी ने अलग अलग इमारतें बनवाई, एंड वन ऑफ देम वाज ताजमहल। तो इट इज इन ह्यूमन हिस्ट्री रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स दैट हैज एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका जो डिजाइन है बेसिकली इस्लामिक, ध्यान से देखिए, पर्शियन और इंडियन, बेसिकली इस्लामिक, पर्शियन और भारतीय वास्तुकला, इन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस की बेसिकली एक फ्यूजन दिखाई पड़ती है। इसके जो वॉल्स हैं, तीन साइड से बेसिकली इसके जो वॉल्स खड़े हुए हैं, और एक साइड पे, फोर्थ साइड पे यमुना, बेसिकली ये जो इसका चार बाउंड्री डिफाइन हो रहा है, दे सेपरेट द मॉन्यूमेंट्स 42 एकड़ ग्राउंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग लैंड। तो आस पास के क्षेत्र, आगरा के जो आस पास के क्षेत्र हैं, उनसे अलग करता है क्या चीज, बेसिकली कैसा फीचर ताजमहल को अलग करता है, कि बेसिकली ये जो 42 एकड़ का लैंड है ताजमहल का, उसके इर्द गिर्द एक तो इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्टेड वॉल्स, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्टेड पिलर्स, मीनारे, पहली चीज ये, और चौथे साइड पे यमुना का होना और एकदम एफिशिएंटली फ्लो करना, ये सारी की सारी फीचर्स इसको एकदम बाकी सराउंडिंग लैंड के अब की अपेक्षा में इसको स्पेशल बनाता है। इट वॉज बिल्ट आउट ऑफ व्हाइट मकराना मार्बल, मार्बल का क्या नाम है, सफेद मकराना मार्बल से बनाया गया है, दैट वॉज सोर्स फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान से इसको मंगाया गया था। टू फर्दर इनहांस द ब्यूटी ऑफ मेमोरियल, थाउजेंड्स ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स वर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स डिजाइन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी शोभा बढ़ाने के लिए इसको अंदर से, आज के डेट में आप अपने घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, तो इसकी ताजमहल की जो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग है, तो इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग में कई सारे पत्थर, कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर जो है वो जड़े गए थे, लगाए गए थे। आगे चलते हैं आर्किटेक्चर के ही बेसिकली एक क्रम में, आप देखते हैं कि ताजमहल एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे के ऊपर स्थित है, बेसिकली एक इसका आप देख सकते हैं, ताजमहल एक ऐसे बेड पे स्थित है, बेड मतलब एक ऊंचा सतह है, एक स्टेज टाइप का है, उस पे स्थित है, जिसकी संरचना के चारों कोनों में से प्रत्येक पर चार मीनारे खड़ी की है, मतलब ऑल फोर कॉर्नर्स हैज, मतलब चार कॉर्नर है और चारों कॉर्नर्स पे चार मीनारे खड़ी की गई हैं। इसी के साथ तहखाने एक सममित इमारत में रखे गए हैं, जिसमें एक विशाल गुंबद है और शीर्ष पर एक शिलाखंड है। बेसिकली ये जो है ये एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा, आप देख सकते हैं आपको पिक्चर्स में दिखता है, डोम भी है, गुंबद भी है, ठीक है, और जो कि एकदम टॉप पे आपका स्थित है। इसी के साथ इस बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है, जो इसका प्रवेश है ना, दैट इज इन अ शेप ऑफ एन आर्च, एक आर्च के शेप में इसका एक प्रवेश आपको देखने के लिए मिलता है। देयर आर रेप्लिकास ऑफ शाहजहां एंड मुमताज महल्स सार्कोफैगी लोकेटेड इन द मेन हॉल ऑफ मॉसिलियम। बेसिकली शाहजहां और मुमताज महल के जो कब्र हैं, जो जिस जगह उनके कब्र को गाड़ा गया था, दफनाया गया था, उस कब्र के रेप्लिका हूबहू उनसे मिलते जुलते जो है कब्र भी प्लेस किए गए हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट।
ये जो है ये कुछ फीचर्स इस ताजमहल को अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट बना देता है. द एक्चुअल टूम्स कैन बी फाउंड विद इन द चेम्बर दैट इज लॉक्ड एंड लोकेटेड ऑन द लोअर लेवल. और बेसिकली इनकी जो एक्चुअल में वाकई में इनकी जो कब्र है, जो टूम के अंदर में इनकी कब्र है, उसको बहुत ही लोअर लेवल पे क्योंकि दफनाया गया है, तो वो आपको वो भी अंदर मिल जाएगा. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए उनके रेप्लिकास दिखाए जाते हैं. आगे चलते हैं. द इनर चैम्बर विच इज इन द शेप ऑफ ऑक्टागॉन. ऑक्टागॉन के शेप में है. ऑक्टागॉन मतलब एक ऐसा फिगर बेसिकली, ये तो खैर राउंड है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जिसके कितने साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं, 8 साइड होते हैं, ठीक है. देर इज अ जाली बॉर्डरिंग एंड कोटेशन फ्रॉम कुरान एनग्रेव्ड इन द सिनोट्स. तो इंटीरियर में अंदर के चैम्बर में क्या है, सारे के सारे साइड्स पे एक मतलब जाली का, जाली जैसा आपको स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा जाली जैसा स्ट्रक्चर आपको उसका बॉर्डर पे मिल जाएगा उसके. और दूसरी चीज की कुरान के कुछ कोटेशन, कुछ लाइंस जो है वो भी आपको इनकार्व की हुई दिख जाएंगी उनके वॉल्स पे. एडिशनली देर आर इंट्रिकेट डेकोरेटिव डिटेल्स दैट इंक्लूड ट्विनिंग वाइन्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स विच आर हाईलाइटेड विद 28 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. मतलब कि कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके इन्होंने कई सारे डेकोरेशंस, अलग अलग तरीके के डिटेल्ड डेकोरेशंस किए हुए हैं. जैसे वही आपको देखने को मिलता है, फ्लावर्स के टाइप के डेकोरेशन है, फ्रूट्स टाइप के डेकोरेशन है, ठीक है. इसी के साथ इस्लाम के कस्टम के अनुसार, इस्लाम के रीति रिवाजों के अनुसार प्राथमिक निकायों को रखने वाले तहखाने अपेक्षाकृत अलंकृत होते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि आधार और ताबूत में जटिल डिजाइन होते हैं. बेसिकली क्या बता रहा है कि इस्लाम के रीति रिवाज के अनुसार ये जो क्रिप्ट है जिनमें बॉडीज रखी जाती हैं, ये बेसिकली अनअडोर्न होते हैं. बेसिकली क्या होता है कि इनका बेस अपने आप में एक फीचर होता है. बेसिकली एक सिंपल सा सेंस ये दिखाई देता है कि ये प्राइमरी बॉडीज रखे गए हैं ऐसे क्रिप्ट में, ठीक है. तो इन क्रिप्ट को, क्योंकि ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेप्लिकाज रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इन रेप्लिकाज को भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, अच्छी कैस्केट एंड डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऐड करके, जेम स्टोन्स ऐड करके इनको क्या किया जाता है, इनको सजाया जाता है. और इसी के साथ इनके अलग अलग तरीके के जटिल डिजाइन होते हैं, ठीक है. गार्डन की बात करेंगे. आपने जब जब ताजमहल की फोटो देखी है, तब तब आपने एक गार्डन भी देखा है जहां पे लोग जो है अलग अलग तरीके की फोटोग्राफी कराते हैं. तो ताजमहल जो है मुगल गार्डन से घिरा हुआ है, और मुगल आर्किटेक्चर जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं मुगलों का गार्डन बनाने का जो स्टाइल हुआ करता था उसको कहते हैं चार बाग, ठीक है. ये सिमेट्रिकली फोर पार्ट्स में, फोर तरीके से मतलब ये अपने आप में डिवाइड होती है, चार बाग कहते हैं इसको, और 980 स्क्वायर फीट में फैली हुई है. दूसरी चीज, ये जो गार्डन है 16 डिफरेंट सनकेन फ्लावर बेड बाय रेस पाथवेज. बेसिकली ये जो गार्डन आप देख सकते हैं, बगीचे को ऊंचे रास्तों द्वारा 16 अलग अलग धसी हुई फूलों की क्यारियों में विभाजित किया गया है. बेसिकली 16 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्यारी, आपको उसको फुलवारी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो 16 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की फुलवारी आपको देखने के लिए मिल जाती है. पूरे स्थान की सुंदरता एक ऊंचे संगमरमर के पानी के टैंक की उपस्थिति से बढ़ जाती है जो मुख्य द्वार और मकबरे के बीच में स्थित है. तो बेसिकली एक मार्बल का वाटर टैंक आपको देखने के लिए मिलता है जो आप देखते हैं मकबरे के एंट्रेंस और बेसिकली ताजमहल के मेन कैंपस के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है. ये इंटेंसिफाई करता है द ब्यूटी ऑफ ताजमहल. द फेमस पर्शियन गार्डन सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर ओरिजिनल डिजाइन ऑफ द ताज गार्डन. तो ताजमहल का जो गार्डन है उसका डिजाइन कहाँ से इंस्पायर है, पर्शियन गार्डन स्टाइल से इंस्पायर है. हाउएवर व्हेन द कॉलोनियल रूलर्स टुक पोजेशन ऑफ द ताज दे ऑल्टर्ड द लैंडस्केप ऑफ द गार्डन सो दैट इट रिजेंबल्ड द लॉन्स इन द लंदन. तो बेसिकली जब भारत में ब्रिटिशर्स आ गए तो क्योंकि वो उनको हर चीज बेसिकली एक अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, यूरोपियन पर्सपेक्टिव से करना था, काफी हद तक इस गार्डन में चेंज लेकर के आए, सो दैट लंदन के गार्डन से मिलता जुलता एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाए, एक गार्डन तैयार हो पाए. उसके बाद जो गार्डन है धीरे धीरे ऐसा मतलब उसको एक ऐसा टचअप दिया ताकि वो लंदन में जिस स्टाइल के गार्डन होते, लंदन में जिस स्टाइल के गार्डन होते हैं वो उस गार्डन जैसा दिख पाए.
तो ये थोड़ा सा आपका वो हो जाता है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है। जब मुगल्स भारत में हैं तो पर्शियन आर्किटेक्चर के हिसाब से कर रहे हैं, जब ब्रिटिश भारत में हैं तो अपनी यूरोपियन कल्चर के हिसाब से चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। ताजमहल को उसकी मूल फारसी भाषा में महलों का ताज कहा जाता है, क्राउन ऑफ द पैलेसेस कहा जाता है। ताजमहल हैज अ रिवर्बरेशन टाइम, बेसिकली इसके अंदर प्रतिध्वनि का समय लगभग 28 सेकेंड है, यानी कि इसके इसका मतलब ये है कि आप अगर इस स्थान के अंदर जो कुछ भी कहेंगे वह 28 सेकेंड की अवधि तक क्या करेगा, गूंजता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ दूसरा वर्ल्ड वॉर आपको देखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ताजमहल को छुपाया गया था। यस यू आर लुकिंग दिस राइट, ताजमहल को छुपाया गया था। आप देख सकते हैं जापानी सेना द्वारा हवाई हमलों के जोखिम को कम करने के प्रयास में 1942 में क्या किया गया है, 1942 में ताजमहल को मचान से छिपा दिया गया था। इसी के साथ 1965 और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इनके बीच हुए युद्धों के दौरान भी इसी रणनीति का इस्तेमाल बेसिकली किया गया था। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं भूकंप हड़ताल जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को बाहर की ओर झुके मीनारों द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो बेसिकली इसकी जो मीनारे हैं वो इटसेल्फ अपने आप में ही इसके एक एज अ प्रोटेक्टर काम करती हैं अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, स्ट्राइक्स एंड ऑल। इसी के साथ अबाउट 5 फीट सेपरेट्स द ताजमहल फ्रॉम कुतुब मीनार इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो कुतुब मीनार और ताजमहल में हाइट का डिफरेंस क्या है, इट इज ओनली 5 फीट। तो ये यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ताजमहल के बारे में। एक छोटी सी चीज आप और जान लीजिए, इसको अगर करंट अफेयर्स के साथ में लिंक करते हैं, TTZ हमें देखने के लिए मिलता है। TTZ या फिर TTZ बेसिकली क्या है, ताज ट्रैपीजियम जोन। तो ट्रैपीजियम अपने आप में एक शेप का नाम है, ये हम सबको पता है, ट्रैपीजियम शेप कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, तो ताज ट्रैपीजियम जोन है क्या? अभी रिसेंटली ताजमहल में बेसिकली आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि पॉल्यूशन के कारण ताजमहल का कलर व्हाइट से येलोइश होता जा रहा है। पॉल्यूशन के कारण आपने सुना होगा बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे धरोहर को बहुत काफी हद तक क्या हानि पहुंच रही है। तो बेसिकली इस चीज को टैकल करने के लिए सरकार ने एक एरिया डिफाइन किया है, TTZ, दैट इज ताज ट्रैपीजियम जोन। ये 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है ताजमहल के आसपास, जिसका कि जिसको एम में रखा गया है, इस उद्देश्य में रखा गया है कि उसको पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है। इसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को इम्पोज किया है कि कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन का काम, यानी कि किसी भी तरीके के निर्माण का काम, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गया, ट्री कटिंग, डिफोरेस्टेशन का काम हो गया, ऐसी सब कोई भी एक्टिविटीज बैन रहेंगी, सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज बैन रहेंगी TTZ के आसपास, ताज ट्रैपीजियम जोन के आसपास। इसमें ताज ट्रैपीजियम जोन जो आप इतना सारा स्पेस देख पा रहे हैं, यहाँ न्यू दिल्ली है, जयपुर है और ये आगरा वाला रीजन है, इतने सारे रीजन को कवर कर रहा है। इस रीजन में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हो जाती हैं, आगरा फोर्ट, आगरे का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। इसी के साथ इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज, बेस्ड अपॉन द डेंजर, द लेवल ऑफ पॉल्यूशन एंड द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। TTZ जो पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, बेसिकली एक ऐसी अथॉरिटी को, एक मैनेजमेंट को बनाया गया, कब बनाया गया है, 1998 में, जिसका नाम है ताज ट्रैपीजियम जोन पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसके कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में इसके लिए काम स्पेसिफिकली किया जाएगा। और किस कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको बनाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ताजमहल। मिलेंगे कल की वीडियो में दोबारा एक दूसरे आइकॉनिक साइट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।